विदिशा जिले के गुनगुन रजक प्रकरण की मुख्य आरोपित मुस्कान राजपूत के मामले में पीड़ित गुनगुन रजक ने अपनी आपबीती सुनाई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवती मुस्कान राजपूत हरिओम नाम के लड़के के साथ शादी करने के लिए अपनी पहचान मिटाना चाहती थी। मुस्कान जिससे शादी करना चाहती थी, घर वालों का दबाव के कारण वह शादी नहीं कर पा रही थी। इसके चलते मुस्कान राजपूत और हरिओम ने एक प्लान तैयार किया कि तुम अपनी आइडेंटिटी मिटा दो, इसके बाद हम शादी कर लेंगे। इसके लिए एक लड़की की आवश्यकता होगी और इसके बाद ही आरोपी युवती मुस्कान ने एक प्लान तैयार किया और पीड़िता गुनगुन रजक को मारने का प्रयास कर उसके चेहरे पर कई बार वार किए, जिससे उसका चेहरा कोई निशान ना रह पाए और सबको ये लगे कि मुस्कान ने सुसाइड कर लिया है। विदिशा से अजय सिकरवार की रिपोर्ट। वो 10 तारीख को सुबह 7 बजे आई थी तो मैं सो रही थी, मेरी मम्मी ने उठाया कि तेरी सहेली आई है, तो मैंने उससे पूछा क्या हो गया, तो कहने लगी आज कॉलेज चलेंगे। मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो वो 10:30 बजे फिर घर पर आई, उसने चाय पी, पानी पिया, फिर हम लोग कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज का काम किया हमने, फिर वो कहने लगी कि मेरा स्पोर्ट का फोटो शूट करा दें। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज किए, फिर हम लोग निकले। तो वो स्टेडियम ना ले जाके, स्टेडियम के पास रोड है कलेक्टेड वाला, वहाँ ले गई। तो मैंने उससे बोला कि यहाँ क्यों, कहने लगी यहीं फ़ोटो शूट होंगे, यहीं आएंगे सर। मैंने कहा ठीक है। मैं 10-5 मिनट रुकी रही, मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं रुक रही हूँ। तो कहने लगी सर आ ही रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं तो जा रही हूँ। मैं जैसे ही मुड़ी उसने पीछे से कुछ मार दिया।